वो वीडियो भेज देते, वीडियो में हम देख लेते कि ये पंच में बचे या पर्शियन है या पिकी पंच में 18,000 रुपये, 16,000, 17,000 इतने रेट होते हैं। दो जोड़े या तीन मादी एक नर रख लेते हैं, इसी तरह बच्चे निकलते हैं। तो माशाल्लाह एक एक बच्चा 8,000-9,000 रुपये में बिकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0342288, महीने में 1,80,000, 1.5 लाख रुपये तो बिल्कुल पक्का है। नस्ल के हिसाब से भी जो है ना वो पैसे होते हैं। बिल्लियों की सबसे महंगी नस्ल कौन सी जो है ना वो मानी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडियो 5 के साथ मैं हूँ महामदरा। नाज़रीन, क्या ही बात हो अगर आपका शौक ही आपका कारोबार बन जाए। आज की जो वीडियो है वो टोटली एनिमल लवर्स के लिए होने वाली है, जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं और जानवरों को पालना पसंद करते हैं। आज की वीडियो उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। कितनी अच्छी बात होना कि जो चीज़ का आप शौक़ रखते हो उसी चीज़ से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, उसी चीज़ से आपके पैसे आना शुरू हो जाएं और आप घर बैठे अपना शौक़ भी पूरा करते रहें और पैसे भी कमाते रहें। आपने बहुत से लोगों को आजकल देखा होगा कि वो जानवरों के मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बना के दी थी जहाँ पर लोग परिंदों से किस तरह कारोबार कर रहे हैं, किस तरह से कारोबार शुरू कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि लोग बिल्लियों से जो है ना वो किस तरह अपना काम शुरू कर सकते हैं, किस तरह अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो है वो इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। काफ़ी फैमिली इस तरह से कर रही हैं कि वो सिर्फ एक पेयर से, मतलब सिर्फ एक बिल्ली के जोड़े से महाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रही हैं। वो किस तरह से कमा रही हैं और किस तरह से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ख्याल आपको इस कारोबार करते हुए रखना है और किस तरह से आप ब्रीड करवा सकते हैं बिल्लियों की और कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा महंगी है जिसकी डिमांड भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और जिनके बच्चे भी जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे सेल होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आज की वीडियो में मिलेगी। अच्छा जुम्मा भाई, ये बताइए कि बिल्ली के बच्चों से बहुत से लोग जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं, मतलब लोगों ने घर में जो है ना वो सिस्टम बना लिया है कि वो 3-4 जो है ना वो पेयर रखते हैं और फिर उनसे ब्रीड्स करवा के जो है वो बच्चे निकाल के जो है वो बेच रहे होते हैं। तो आप ये बताइए कि इस कारोबार में किस हद तक मुनाफा है लोगों को? नहीं, अच्छा खासा बिजनेस है ये किस्म का। लोगों ने तकरीबन 5 जोड़े 6 जोड़े, 2 जोड़े या 3 मादी एक नर रख लेते हैं, इसी तरह बच्चे निकलते हैं। तो माशाल्लाह एक एक बच्चा 8,000-9,000 रुपये में बिकते हैं, तो ये कम है, 3 महीने में हो जाते हैं बच्चे। और एक ही बिल्ली तकरीबन 4-5 बच्चे देते हैं, कम से कम देते तो 4 देते हैं। तो मैंने सुना है कि 2 से 2.5 महीने में जो है वो बिल्ली बच्चे दे देती है, और एक साल में कितने बच्चे देती है वो? तो हर 2.5 महीने यानी हर 3 महीने के बाद बच्चे देते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितना, 3-4 बार में वो 3-4-5 बच्चे तो देती है। 5 बच्चे देते हैं इसी तरह। और एक बच्चा जो, मतलब इस तरह के जो बच्चे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं ट्रिपल कोट के पंच फेज, इंतहाई खूबसूरत नस्ल के ये बच्चे हैं, ये बच्चा एक जो है वो कितने का सेल हो जाता है? ये सीजन के मुताबिक से, जैसे अभी सर्दियों में जो है, सर्दियों में इसका रेट थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो 18,000 रुपये, 16,000-17,000 इतने रेट होते हैं। अभी जो इसके रेट है, ये बेचने के रेट बता रहा हूँ, अभी जो रेट चल रहे हैं वो 13,000 रुपये चल रहे हैं, और ख़रीदारी अभी इस टाइम पे हम लोग 9,000-10,000 रुपये का कर रहे हैं, और सर्दियों में जो है ना ख़रीदारी जो है हम 13-14,000 रुपये का करते हैं और 16,000 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, नस्ल के हिसाब से भी जो है ना वो पैसे होते हैं। बिल्लियों की सबसे महंगी नस्ल कौन सी जो है ना वो मानी जाती है? वो पिकी पंच में आते हैं, पिकी पंच होते हैं, लॉन्ग कोड में होते हैं, और पर्शियन ट्रिपल कोड में होते हैं, बाकी इसके बाद जो है डबल कोड आते हैं, ड्यूअल फेस में आता है, उसकी कम कीमत होते हैं। वो भी मैं बच्चों में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अभी आपके पास ही मुख्तलिफ नस्ल के जो है वो बच्चे मौजूद हैं, मुझे बताइए कि कौन कौन सी नस्ल के हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो कीमती नस्ल का है वो कौन सा है? वो पंच फेस का है, वो दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, वो ये बच्चा है इधर देखिए, हाँ ये लॉन्ग कोड में, पंच फेस है लॉन्ग कोड में। इसका ख़रीदारी हमने किया है 11,000 रुपये का, जो हाँ कालाल रोजी बताते हैं 13,000 रुपये का बताते हैं ग्राहकों कस्टमर जी। अच्छा, मेल फीमेल के हिसाब से भी पैसों में और कीमत में जो है ना वो ऊपर नीचे होता है? नहीं, उसमें नहीं होता है। हाँ, बड़े में होता है, जैसे बड़ा फीमेल हो तो फीमेल 5,000-6,000 रुपये का होता है, और मेल जो है वो तकरीबन 3,500-4,000 रुपये का होता है। वो बड़े में मेल फीमेल का फर्क होता है। अभी ये कितने माह का है? ये अभी 1.5 महीने का है, 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 15 दिन, और इसमें फुल वाइट भी है, ये भी पंच फेस में।
जिसका भी हमने डिमांड रखा है 13,000 रुपये ट्रिपल कोड में। अच्छा, आप खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं? जी जी, यही घरों वाले हमें से रब्ता करते हैं तो हम लंबर शेप कहते हैं, फिर वो हमें बेचते भी हैं, हम जाके घरों से उठाते हैं। और अच्छा, जब भी जो है ना वो कोई आपसे रब्ता करता है किटन्स बेचने के लिए, तो आप क्या चीज़ देखते हैं जाके किटन्स के अंदर? मतलब देखना पड़ता होगा सही है, बीमार तो नहीं है, कौन कौन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? देखो, अभी लोग जो कॉल करते हैं तो उससे हम पहले वीडियो मांगते हैं कि वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजते हैं। ये जो है ये ड्यूअल फेस में है, इसका कीमत है 9,000 रुपये। सीजन में इसका कीमत होता है तकरीबन 13,000 से 14,000 रुपये। ये ड्यूअल फेस में, लेकिन ट्रिपल कोड है, डबल कोड में नहीं, इसका कीमत है 9,000 रुपये। कस्टमर के साथ कमी बेशी करके तो 8,000 रुपये का करके दे देते हैं। जो सबसे पहले हम उससे वीडियो मांगते हैं, वो वीडियो भेज देते हैं, वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये पंच फेस बचे या पर्शियन है या पिकी पंच में, उस हिसाब से फिर हम बताते हैं कि आप रेट बताओ। अरे एक हिसाब से फिर हम उसके घर जाते हैं, उनके साथ सौदा करके उठा लेते हैं। जुम्मा भाई, कितने लोगों को या कितनी फैमिलीज को आपने देखा है ये कारोबार करते हुए? यार अभी हमारे पास जो सिर्फ लंबर है वो बताऊं तो तकरीबन 170-182 लंबर है हमने सेव किया हुआ है घरों के, जो कराची में है सिर्फ। और वो महाना कितना कमा रहे हैं इस काम से? अभी एक आंटी जो है वो गुलशन में रहते हैं, उसके पास तकरीबन 13 जोड़े, शायद वो भी ये वीडियो देख ले, तो उसके पास 13 जोड़े रखा है, महीने में 1,80,000, 1.5 लाख रुपये तो बिल्कुल पक्का है, 1,80,000, 2 लाख रुपये तक उसका डिमांड जाते हैं। उसके ब्रीडर जोड़े रखे हुए हैं, वो बच्चे देते रहते हैं? हाँ, वही बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इनकी जो है ना वो बहुत से लोग जानवर पालना तो चाहते हैं लेकिन इनकी केयर करने से बड़ा घबराते हैं, किस तरह से इनकी केयर की जाती है? नहीं, वो इंशाल्लाह कोई भी हमारे से रब्ता रखेगा, इसके अलावा भी कोई और परिंदों में भी कोई किसी का शौक होता है कि यार हम तोते रखें या ब्रीड करवाएं, या अपना कारोबार भी करते हैं और इधर से ये मुनाफा भी आए, तो इंशाल्लाह वो भी फार्म हम बना के देते हैं, तो उसका सेटअप हम डालते हैं, तोते भी यार किस्म का डाल के देते हैं, वो हम से रब्ता करके हम इंशाल्लाह बता देंगे। ये जुम्मा भाई की दुकान जो है वो सदर इम्प्रेस मार्केट के सामने जो है, वो जो एनिमल मार्केट है वहाँ पे इनकी दुकान है। अच्छा, आप अपनी जो है ना वो दुकान का नंबर वगैरह या कोई अपना फ़ोन नंबर, दुकान आपकी कैसे कोई नाम है दुकान का, वो आप बता दें ताकि अगर कोई भी खरीदना चाहे या बेचना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर ले, और जो है वो उसको आप सिखा भी देंगे किस तरह से वो जानवरों की केयर कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03422888907, 24 घंटे ऑनलाइन है, जुम्मा खान के नाम से ही है, 23 नंबर दुकान है सामने, यहाँ पे आकर के इम्प्रेस मार्केट में जुम्मा खान के नाम पे, और ज़्यादातर डिलीवरी का काम है हमारा, घर पे पहुँचाने का होता है और घर से उठाने का होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी कि मैंने यहाँ पर जितने भी मार्केट विजिट करी है वहाँ पे जो है वो बिल्ली के बच्चों को और बिल्लियों को भी बड़ी बुरी हालत में रखा हुआ होता है, गंदे संदे पिंजरे में रखा हुआ होता है, वो उसी में जो है ना अपना यूरिन और स्टूल पास कर रही होती है, वहीं पे पड़ी हुई होती है, इस तरह वो 10 तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती है। यहाँ पे आपने बड़ा ही साफ सुथरा सेटअप बनाया हुआ है, इवन के लिटर बॉक्स भी जो है वो आपने इन छोटे छोटे किटन के साथ रखा हुआ है, साफ सुथरा माहौल है, तो ये ख्याल कैसे आया? और ये जो है ये फैंसी बिल्ली है, ये असल में पेशाब कई और जगह पे नहीं करते हैं, ये रुक करके अंदर ही इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमने लेटर बॉक्स रखा है। एक तो हमारा रोजी चलता है, ऊपर से उनका ख्याल रखता हूँ, उनका दाना पानी का, उसका मतलब कैट फूड का, खाने पीने का, तो आला भी देख रहे हैं तो उससे और अच्छा रोजी मिलता है, यानी उनका ख्याल रखना वैसे भी उनका मेरा शौक ही भी है। हाँ, शौक भी है मेरा भाई। किसी को भी अगर कारोबार करना है बिल्लियों के हवाले से घर बैठे, जो बहुत से लोग शौक भी रखते हैं बिल्लियां पालने का, तो वो आसानी से ये कारोबार कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ भी नहीं होगी, आपने बस एक ब्रीडर जोड़ा जो है वो परचेज करना है, उसके बाद आपका जो है ना वो इनकम जो है वो 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से आप अपने कारोबार मजीद बढ़ा भी सकते हैं और मजीद जो है ना आप मदद हासिल कर सकते हैं जुम्मा खान भाई से, जो है इस वक्त यहाँ सदर मार्केट में बैठे हुए, या आपको अच्छी से अच्छी नस्ल की बिल्ली प्रोवाइड भी करेंगे और बाद में जो उनके बच्चे होंगे वो खरीद भी लेंगे, उनका ख्याल, उनकी खुराक, उनकी हर चीज़ के लिए आपको गाइड करेंगे। किसी को भी अगर रब्ता करना है, किसी को भी ये काम शुरू करना है, तो वो जुम्मा भाई से एक बार ज़रूर रब्ता करें।